नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट एक भाषा बोली लिपि व्याकरण और पार्ट दो वर्ण विचार इन दोनों का अभ्यासकार करेंगे आज। तो पहले हम पार्ट एक का करेंगे, तो पार्ट एक को आओ दोहराएं। भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों या मन के विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो भाषा कैसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो ये इस पार्ट एक में हमने पढ़ा था, इसका अभ्यासकार देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। व्याकरण की परिभाषा बताइए। तो व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सीखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा के रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। पत्र लिखना भाषा का रूप है। कौन सा रूप है पत्र लिखना? लिखित रूप है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भाषा का प्रयोग डैश प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। आपस में बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। पत्र लिखने में भाषा का लिखित रूप प्रयोग होता है। मन के विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा तथा लिपि का सही मिलान कीजिए। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू की फारसी। अंग्रेजी की रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। ये क्या है? इनकी लिपि है। नेक्स्ट, भाषा में बोली जाने वाली किन्हीं चार भाषाओं के नाम लिखिए। तो भारत में बोली जाने वाली चार भाषाओं के नाम, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी। भारत के संविधान में स्वीकृत किन्हीं चार भाषाओं व लिपियों के नाम लिखे। तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया है? 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। उनमें से किसी भी चार भाषाओं के नाम और उनकी लिपि लिखनी है। तो पहली एक यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है, पहली यहाँ पर दे रखी है पंजाबी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। हिंदी, हिंदी की क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत की देवनागरी और उर्दू की फारसी। भाषा के दोनों रूपों के तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो इनके तीन तीन उदाहरण आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं मौखिक के? रेडियो, टेलीविजन और भाषण। और लिखित के? समाचार पत्र, पत्र और किताब या पुस्तक। तो आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर था वर्ण विचार। तो इसके बारे में एक बार और हम चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार में हमने क्या क्या पढ़ा था। आओ दोहराएं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, इनको अच्छे से याद करके आपको लिखना है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी जो स्वर होते हैं उनको हम बिना किसी रुकावट के उनका उच्चारण करते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर सम्मिलित होते हैं और स्वरों की सहायता से ही वो बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। स्वर और व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक से किया जाता है। अनुस्वार क्या होते हैं? जो बिंदी लगी होती है जिन पे अयोगवा स्वर में आते हैं, तीनों अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों क्या है? अयोगवा स्वर है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इसलिए ये अयोगवा स्वर में आते हैं। विसर्ग का उच्चारण अह के समान होता है। आगत ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और जो हिंदी में इनका प्रयोग किया जा रहा है उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं।
अंग्रेजी, अरबी और फारसी के शब्दों में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता यानी कि जैसे कि ज, ज के नीचे ये बिंदी है इसे नुक्ता कहते हैं। फ, फ के नीचे ये नुक्ता है इसे बिंदी है इसे नुक्ता कहते हैं। और ये कौन से शब्द हैं? अरबी फारसी के शब्द हैं। हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन होते हैं। जैसे छत्री है, छ किससे मिलता है? क और श से। त्र किससे मिलता है? ता और रा से। ज्ञ किससे मिलता है? जा और या से। और श्रा किससे मिलता है? श और रा से। तो ये इनसे मिलकर बनते हैं चार संयुक्त व्यंजन। जब एक ही व्यंजन को दो बार मिलाकर लिखा जाता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन क्या कहते किसे कहते हैं? जिसमें एक व्यंजन दो बार आता है। जैसे कि मैं लिखूं आधा ला और पूरा ला। अब ये कौन सा है? स्वर रहित व्यंजन है और ये स्वर सहित व्यंजन है, क्योंकि ये आधा है और ये पूरा है। और इससे मिला के हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, दिल्ली, बिल्ली, है ना। तो ये क्या है? द्वित व्यंजन, जिसमें एक व्यंजन दो बार लिखा जाता है और उसे मिलाकर लिखते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज हम देखते हैं। तो वर्णाक्षर किसे कहते हैं? वर्णाक्षर किसे कहते हैं? ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब ये वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना रहे हैं, इसे बोलते हैं वर्ण संयोग। इसे क्या कहते हैं? वर्ण संयोग। जब वर्णों से मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। और जब शब्द से वर्णों को अलग किया जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ये वर्ण, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जा रहा है। देखिए कैसे, स, स पे हलंत लगाया, इसका स्वर क्या है? उ। र, र का हलंत प्लस अ, ज, ज पर हलंत अ। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सूरज, तो यहाँ पर आ गया सूरज। कोयल की रण, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? व्यंजन है और व्यंजनों को हलंत लगा के लिखा गया है और इनके जो स्वर हैं उनको अलग कर दिया गया है। इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक का सही प्रयोग करके शब्द पूरे कीजिए। तो जैसे कि बंदर, यहाँ पर बंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनुनासिक। चांद, यहाँ पर भी आग, यहाँ पे झंडा, यहाँ पे गांव, यहाँ सांप, यहाँ शंख, यहाँ कंगा। तो आपको समझ में आया? जब नाक से स्वर होता है, जब नाक का नाक से उच्चारण किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जब नाक और मुख दोनों से किया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इससे हमने शब्द को पूरा किया है। दिए गए व्यंजनों से एक एक शब्द बनाइए। ड से बनाना है जैसे डिब्बा, ड से बनाया हमने उड़ान, ढ से बनाया हमने ढक्कन, ड से बनाया हमने चढ़ना। तो दोनों के उच्चारणों में अंतर होता है। सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे गिलहरी, यहाँ पे डमरू, कौवा, गाय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट एक। पार्ट दो की पूरी एक्सरसाइज आपका आज का होमवर्क है कि आपको पार्ट एक पार्ट दो की एक्सरसाइज को अच्छे से याद करके रफ कॉपी में करना है, प्रैक्टिस करनी है।